क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे हाथ की लकीरों को पढ़कर हमारा फ्यूचर बता देते हैं, या फिर कैसे लोग हमारा दिमाग पढ़ लेते हैं? और वो लोग जो भी कुछ बताते हैं, क्या वाकई में वो सब कुछ सच होता है? क्या वाकई में हॉरोस्कोप हमारे दिन के बारे में बताता है? इसके पीछे का सच आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है? और ये जो सो कॉल्ड मेंटलिस्ट होते हैं, जो पाम रीडर्स होते हैं, वो आखिर कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे बारे में बता देते हैं? और ये बारनम इफेक्ट या फिर फोरर इफेक्ट क्या होता है? तो यार आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक तो ज़रूर देखना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एंड लेट्स बिगिन। आपने ज़रूर देखा होगा कि हमारे आसपास के लोग हॉरोस्कोप में बिलीव करते हैं और वो डेली पेपर में अपना हॉरोस्कोप देख करके ही घर से निकलते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनका आज का ये दिन कुछ अच्छी खबर लेकर के आए और उन्हें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए और उनका दिन बन जाए। पर क्या सच में वैसा ही होता है जैसे कि हॉरोस्कोप में लिखा होता है? तो इसका जवाब है नहीं। एस्ट्रोलॉजी एक हद तक सही हो सकती है, बट आपका डेली हॉरोस्कोप नहीं। अब हो सकता है बहुत से लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई हो, बट ज़रा ध्यान से सोचिए, जो पेपर में हॉरोस्कोप निकलता है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर साइन के लिए होता है, एक पार्टिकुलर इंसान के लिए नहीं। जो चीज़ उसमें लिखी होती है वो एक साइन के साथ एसोसिएटेड होती है, यानी कि वो चीज़ एक साइन के साथ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सभी चीज़ें आपके साथ भी हों। टोटल 12 जोडियक साइन होते हैं और हॉरोस्कोप हर एक इंसान को एक पार्टिकुलर साइन के हिसाब से एज्यूम करता है कि जो चीज़ आपके साइन के अकॉर्डिंग लिखी है वही चीज़ दुनिया के 1/12 पॉपुलेशन के साथ भी हो रही है। मतलब जो चीज़ आपके हॉरोस्कोप में लिखी हुई है वही सेम चीज़ 63 करोड़ 94 लाख लोगों के साथ भी होने वाली हैं। या अगर आपका हॉरोस्कोप सही निकल गया, उसमें जो बातें लिखी थी वो वैसे ही हो गई, तो क्या बाकी के 63 करोड़ 94 लाख लोगों के साथ भी वैसे ही सेम चीज़ हुई होगी? शायद नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बता देना। तो अगर मान लिया कि डेली हॉरोस्कोप सही नहीं होता है तो फिर ये पेपर में डेली निकलता क्यों है? तो यार ये एक स्कीम थी जो कि तकरीबन 100 साल पहले एक जर्नलिस्ट ने इन्वेंट किया था और भी ज़्यादा न्यूज़पेपर को सेल करने के लिए। वो जर्नलिस्ट लोगों की ड्रीम और डिज़ायर को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसने एक होप देने के बारे में सोचा, जिसके लिए उसने हॉरोस्कोप को सेलेक्ट किया। और ये सोच कर कि लोग जब इसे देखेंगे तो उन्हें एक होप मिलेगी और नेक्स्ट डे भी एक पॉजिटिव डे न्यूज़ के लिए लोग पेपर को खरीदेंगे। एंड ऐसा ही हुआ। अकॉर्डिंग टू बार्नम और फोरर इफेक्ट, लोग ऐसी जनरल स्टेटमेंट में इजीली बिलीव कर लेते हैं जो उन्हें एक पॉजिटिव और होपफुल यानी कि एक विशफुल थिंकिंग दे। जैसे कि मैं कहूँ कि आप एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान हैं और आप दिल के भी बहुत साफ हैं, तो आप इस स्टेटमेंट पे बहुत ही आसानी से बिलीव कर लेंगे, बिकॉज ये एक पॉजिटिव और एक विशफुल स्टेटमेंट है। और इन्हीं सब स्टेटमेंट का फ़ायदा उठाते हैं पाम रीडर या फिर माइंड रीडर, मेंटलिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स एट्सेट्रा। ये लोग कभी भी कोई निगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट पर इतनी आसानी से बिलीव नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ़ायदे की बात या फिर कुछ ऐसा कहते हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं या फिर आप सुनना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट एक ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से आ रही होती हैं, तो हम इन्हें और भी ज़्यादा आसानी से मान लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट B.R. फोरन ने एक बार अपने लगभग 39 स्टूडेंट से बोला कि उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट को स्टडी करके उनके लिए एक पर्सनैलिटी टेस्ट तैयार किया है, जिसमें उन्होंने सबके बारे में उनकी कुछ यूनिक चीज़ें लिखी हैं, और उन्होंने अपने स्टूडेंट से बोला कि वो उनकी इस टेस्ट की मार्किंग करें 1 से 5 के बीच में। और उन सभी स्टूडेंट्स की मार्किंग का रिजल्ट का जो एवरेज निकला वो था 4.26, जिसका मतलब था कि सभी स्टूडेंट को लग रहा था कि जो कुछ भी मिस्टर फोरन ने उनके बारे में लिखा है वो बिल्कुल सही है और उनकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, या फिर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, जबकि मिस्टर फोरन ने सभी स्टूडेंट को सेम स्टेटमेंट लिख करके दी थी। जो स्टेटमेंट उन्होंने एक स्टूडेंट को लिख करके दी थी उसी स्टेटमेंट को कॉपी करके उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को भी दे दिया, और सभी स्टूडेंट को वो अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट लगी। और ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि उन सभी स्टूडेंट को बोला गया था कि ये टेस्ट उनको स्टडी करके खासकर उन्हीं के लिए ही पर्सनली लिखा गया है, और वो सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, और साथ ही साथ ये सभी एक ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से आ रही थी, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा बायस होकर उन्हें अपनी पर्सनैलिटी से मैच करके बिल्कुल एक्यूरेट बताने लग गए। और यही सेम चीज़ है आपके साथ कोई टैरो कार्ड रीडर, मेंटलिस्ट, पाम रीडर या कोई ज्योतिषी करता है। वो इन्हीं सब स्टेटमेंट का यूज़ करता है और थोड़े बहुत आपके हाव भाव से तुक्का लगाकर आपको आंसर करता है, और क्योंकि वो सभी बातें किसी अथॉरिटी ऑफ पर्सन की तरफ से आ रही होती हैं, एक ऐसे इंसान की तरफ से आ रही होती हैं जिसका कि काम ही यही है, तो हम या आप उन पे बहुत ईजिली बिलीव कर लेते हैं, और हमें लगता है ये सभी बातें जो ये इंसान बता रहा है ये सब बिल्कुल सही हैं और मैं सच में ऐसा ही हूँ।
तो यार उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसके पीछे का राज क्या होता है। तो बस यार फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यार अगर आपने वीडियो में देखकर कुछ भी नहीं ऐसी इंटरेस्टिंग लगा या मज़ा आया तो यार शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।